हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में जो है बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण बातें करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में जो है बहुत सारे सवाल क्रिएट हो रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसे दे, एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस पढ़े, एग्ज़ाम में जो है आंसर कैसे लिखे। मैंने कल आपको बताया था कि आपको आंसर कैसे देना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन राइज कर रहे हैं जिसे सुनने के बाद जो है आपको हंसी आएगी। वो बोल रहे हैं कि सर, क्या सर एग्ज़ाम में चीट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं उनको बता दूं कि देखो बच्चों, सबसे पहले आपको जो है अपने आप पर विश्वास रखना है, और आपने क्या सीखा है और आपके अंदर कितना नॉलेज है उसके अनुसार जो है आप आंसर देंगे। दूसरे के भरोसे या चीट के भरोसे जो है आप ना रहें या भ्रम ना पालें कि एग्ज़ाम में जो है चीट चलेगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको यह भ्रम पाल कर नहीं रहना है कि आपको चीट से पास करना है। आपको जो है अपने आप अपने नॉलेज के अनुसार जो है पास करना है। तो आपका आंसर एक क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम में चीट नहीं चलता है। आपको जो है खुद की मेहनत से अपने अनुसार से लिखे हुए आंसर के ऊपर डिपेंड रहना है। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनका कमेंट आता है कि सर, कौन सा क्वेश्चन को जो है किस तरह लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कल ही वीडियो में जो है एक बताया है कि आपको जो है आंसर कैसे देना है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपको जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है परिचय देते हुए क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना है, और लास्ट में जो है निष्कर्ष लिखना है, और साथ ही साथ दोनों मतलब पहलू को लिखना है, सकारात्मक और नकारात्मक। जो भी क्वेश्चन पूछता है उसका दो थिंग्स होते हैं, एक निगेटिव होते हैं एक पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों को लिखते हुए जो है आपको आंसर देना है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर, लास्ट मूवमेंट मतलब लास्ट टाइम में जो है सिलेबस को कैसे कवर करें। तो आपको जो है स्पेशल जो भी बुलेट होते हैं उसके मेन जो पॉइंट होते हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर ले, आपका पूरी तरह से जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का प्यार भी मिलता है मुझे, उसे देखकर मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन आता है उसको पढ़कर भी, ताकि मैं आपके प्रति और अच्छा काम कार्य करूं या अच्छा और इसे अच्छा बेहतरीन आपको पढ़ा सकूं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट आता है जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बच्चे डीएलएड क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा कमेंट आता है कि सर, सिलेबस में कितने नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, मतलब कि कितने नंबर का फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम होता है। तो मैं उनको वो बच्चे को जो है मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, उनके ऊपर जो है किसी प्रकार का मैं टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे भी देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल जो होता है 1000 नंबर का होता है, जिसमें आपका इंटरनल नंबर जो होता है 430 नंबर जो होता है आपके कॉलेज के हाथ में रहता है। बाकी बचे जो नंबर होते हैं वो आपके बाहरी मतलब एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे का जो प्रश्न होता है कि कौन से पेपर के ऊपर जो है कितना समय दिया जाए, यह क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर में जो है कितना नंबर का प्रश्न आता है, तो उसके अनुसार से जो है आप पढ़ाई करेंगे और उस पेपर पर जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर F1 है, F2 है, F3 है और F4 है, यह चार पेपर जो होता है इसमें जो है 100-100 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपका जो 30 नंबर का होता है इंटरनल होता है और 70 नंबर का जो होता है वह एक्सटर्नल होता है। तो आपको जो है 70 नंबर वाले सब्जेक्ट जो होते हैं आपको चार मिलेंगे, F1, F2, F3, F4। तो इस पर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। बाकी बजे आपके जो F10 तक वह सब जो होते हैं 35-35 नंबर का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसमें टोटल 50 नंबर होता है और 15 नंबर जो होता है इंटरनल होता है, आपके कॉलेज के नंबर होता है, जो कि आपको असाइनमेंट अदर एक्टिविटी के तौर पर जो है आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। तो इस पर जो है अगर आप कम फोकस करते हैं तब भी जो है आपका नंबर आ जाएंगे, आप जो है लिख ही देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है कि आप जो है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को टच करेंगे और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे आपके डीएलएड के एग्ज़ाम से। लेकिन आपका जो पेपर F2 है, F12 है और F11 है, मैंने 10 तक बता दिया, F11 और F12 जो आपका पेपर है इसका एग्ज़ाम जो होता है 100 नंबर का होता है, लेकिन इसमें आपका जो है केवल बाहरी एग्ज़ाम जो होता है वो 40 नंबर का ही होता है, दोनों पेपर में 40-40 नंबर का होता है। 60-60 नंबर जो है आपका इंटरनल एग्ज़ाम है ICT में और कला समेकित शिक्षा में, जो आपके पेपर F11 है और F12 है, इसमें जो होता है आपका टोटल 100 नंबर का होता है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा
वह जो होगा सिर्फ 40 नंबर का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो इंटरनल नंबर है वह काफ़ी ज़्यादा है, 60-60 नंबर जो है आपका इंटरनल है। तो आपको जो है केवल फोकस तो आपको सब सब्जेक्ट पर करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पूरे सब्जेक्ट को जो है अच्छे से पढ़ना है, अगर डीएलएड में अच्छे नंबर लाना है तो। नहीं तो आपको जो है मेन फोकस अगर करना है तो आप कर सकते हैं F1, F2, F3, F4 और F11 और F12, क्योंकि इसमें जो है आपका एक्सटर्नल नंबर जो होता है ज़्यादा होता है, मतलब अदर सब्जेक्ट के अनुसार से। बाकी सब में जो है 35-35 नंबर का एग्ज़ाम होता है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे अगर वह मुझे क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा। तो आप लोगों ने अगर बिहार बोर्ड से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको जो है उसके आंसर में जो है कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। खाली पेपर या खाली क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। आपको जितना क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है सारे का आंसर देंगे। आप अगर गलत भी देते हैं तो गलत सही, लेकिन आप देंगे ज़रूर, क्योंकि खाली छोड़ते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर गलत आंसर देते हैं ना तो टीचर जो चेक करता है वो यह जानता है कि बच्चे ने प्रयास किया है। तो अगर आपका 5 नंबर है तो वहाँ पर आपको 2 या 2.5 नंबर दे मिल जाएगा, लेकिन अगर खाली छोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, सीधे 0 मिलेगा। तो जो बच्चे का ये क्वेश्चन था कि सर अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में तो मैं क्या करूँगा, तो उनको पता चल गया होगा कि उनको जो है कुछ ना कुछ लिखना ही जरूर है। आपको जो है खाली पेपर नहीं छोड़ के आना है। तो जितने भी डाउट थे आपके क्वेश्चन से लेकर वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और साथ ही साथ आपको मैं सारा सिलेबस कराने वाला हूँ। मेरे पास टाइम का थोड़ा अभाव है, कमी है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर क्लास नहीं ले पाता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। मैंने पिछले भी वीडियो में ये कहा है कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं आपके सिलेबस को जो है एग्ज़ाम से पहले और अच्छे से समझा पाऊँ और अच्छे से करा पाऊँ, ताकि आपके एग्ज़ाम जो है अच्छे जाए। और मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियो करा रहा हूँ उसको अच्छे से देख ले, आपके एग्ज़ाम भी उससे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।